नमस्कार दोस्तों एंड मेरे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप सो एवरीवन इज सेफ एट देयर होम प्लेस, राइट। सो आज के लिए इस सेशन में लेके आया हूं लाइसोसोम्स। जो टॉपिक है जो अपन पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज लाइसोसोम। जैसे आपको पता है, लास्ट लेक्चर में अपन ने पार्ट वन कंप्लीट किया था एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का। उस पार्ट वन में मैंने आपको समझाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, राइट। सो एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में? एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं? वो सारे ऑर्गेनेल्स जो आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हुए जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको अपन ने कहा है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऑर्गेनेल्स या एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। सो पार्ट वन में मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन करके बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइसोसोम्स। सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करेगा यहां पे? हियर इट विल कॉज द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा और प्रोटीन को एक पैक फॉर्म में, एक वेसिकल्स के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट करेगा। कहां पे? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। तो यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल दिख रहा है। सो ट्रांसपोर्ट वेसिकल का मतलब क्या है? यहां पे जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो प्रोटीन जो है वो पैक फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये कहां पे आता है? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में। अभी गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के पास दो फेसेस है, वन इज कॉल्ड सिस फेस, दिस इज कॉल्ड सिस फेस एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांस फेस। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जो पैक फॉर्म में प्रोटीन आता है या लिपिड आता है, ये कभी भी सिस फेस की तरफ आता है, मतलब इस फेस जो कि इमैच्योर फेस होता है। इस फेस में आने के बाद जैसे ही ये वेसिकल इस ट्यूबुल के ल्यूमेन में ऐड होगा, वहां पे इसका प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग इन द सेंस, ये जो रॉ मटेरियल यहां से आ रहा है, जो प्रोटीन यहां से आ रहा है जो कि रॉ फॉर्म में है, उसको फिनिशिंग और उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। सो यहां पे अगर रॉ प्रोटीन आता है तो यहां पे उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होकर ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, इज इट क्लियर। वैसे अगर लिपिड आता है पैक फॉर्म में, देन इसका प्रोसेसिंग होगा, मॉडिफिकेशन होगा और मॉडिफाइड फॉर्म कौन सा बनेगा? लिपिड का ग्लाइकोलिपिड बनेगा। सो प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, लिपिड का देन ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। तो इस तरह से वो मॉडिफिकेशन करता है, इज इट क्लियर। अभी यहां से जब ये मॉडिफाई होके यहां से निकलेगा, कौन से फेस है? ट्रांसफेस है। और आपको ये एक चीज ध्यान में रखना है, इसी ट्रांसफेस से गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है और एक सीक्रेटरी वेसिकल रिलीज करता है जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या करता है? अपार्ट फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने के साथ साथ में ये जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये कुछ वेसिकल्स यहां से सीक्रेट करता है ट्रांसफेस से, जिसको अपन कहते हैं लाइसोसोम्स। यहां पे देखिए लाइसोसोम्स में लिखा है, व्हाट इज लाइसोसोम? बेसिकली अगर देखा जाए तो लाइसोसोम जो है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड। इट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव। इसका काम है डाइजेशन करना। डाइजेशन किस चीज का करना? जो भी फॉरेन बॉडीज है, फॉरेन पार्टिकल्स है या माइक्रोब्स है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है या माइक्रोब्स है, या वी कैन से फूड पार्टिकल्स है। जैसे सेल के अंदर में कोई फूड पार्टिकल जाता है तो उसका डाइजेशन किस तरह से होता है, या कोई भी फॉरेन बॉडी मतलब माइक्रोब्स, बाहर का माइक्रोब जो सेल के अंदर में एंटर होता है तो उसका डाइजेशन किस तरह से होता है, ये लाइसोसोम्स के थ्रू अपन पढ़ेंगे। सो लाइसोसोम्स का मतलब ये होता है कि लाइसोसोम जो है एक स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। वैसे देखा गया तो लाइसोसोम्स ये सिंगल मेम्ब्रेन से बनता है। ऊपर का जो लेयर है लाइसोसोम का, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जिसमें कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या है? ये वो एंजाइम्स है जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि सेल के अंदर में अगर कोई फूड पार्टिकल आ रहा है तो फूड पार्टिकल का डाइजेशन कौन कौन से एंजाइम्स के थ्रू होगा? ये मे बी लाइपेज के थ्रू हो सकता है, या अमाइलेज के थ्रू हो सकता है, या प्रोटीएज के थ्रू हो सकता है। तो ये सारे एंजाइम्स जो मैंने आपको गिनाया है, ये सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। सो जब मैं हर एक लाइसोसोम्स के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स सी कि जैसे मैंने आपको बताया कि लाइसो मतलब डाइजेस्टिव होता है, सोमा मतलब ये बॉडी, मतलब ये मे बी बॉडी सेल्स या मे बी ऑर्गेनेल या मे बी अ फॉरेन बॉडी मतलब बैक्टीरिया हो सकता है या कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, इसका डाइजेशन करना वो लाइसोसोम्स का काम है।
तो सबसे पहले लाइसोसोम्स को किसने डिस्कवर किया है? लाइसोसोम्स को फर्स्ट डिस्कवर बाय क्रिश्चियन डी ड्यू इन 1955। सबसे पहले लाइसोसोम्स का डिस्कवर जो है क्रिश्चियन डी ड्यू ने किया है 1955 में, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो नीट या एनएसटीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? सो हियर इट इज क्लियर। देन लाइसोसोम्स के बारे में अगर अपन पढ़ेंगे, सो लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स वो बॉडीज है, वो स्मॉल वेसिकल्स है जो सभी एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट जो है ये मैमेलियन आरबीसी में नहीं रहते हैं। ये आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ह्यूमन ब्लड में जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसमें ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। मेक इट अंडरलाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे देखा गया तो लाइसोसोम्स सभी एनिमल सेल्स होंगे, लेकिन एक्सेप्ट जो है ये मैमेलियन आरबीसी में नहीं होते है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे अपन, लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स वो चीज है जो डिसमेंटल करता है और वापस रिकंस्ट्रक्ट भी करता है। इसका मतलब क्या है? डिसमेंटलिंग मतलब जो चीज बनी हुई है उसको तोड़ने का काम करता है और तोड़ने के बाद वापस उसको एक जगह पे लाने की भी कोशिश करता है। तो ये डिसमेंटल भी करता है, व्हाट आई मीन, ये डिसमेंटल भी करता है और वापस में उसको जोड़ता भी है, जिसको अपन कहते हैं डिसमेंटलिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग यूनिट। डाइजेशन के बाद क्या होगा? डाइजेशन के बाद कोई भी बॉडी अगर आती है वो तो डाइजेशन के बाद वो स्मॉल पार्टिकल्स में बिखर जाएगा, राइट? उसको अपन कहते हैं डिसमेंटलिंग, और साथ में अपन ने बोला है रिकंस्ट्रक्टिंग। रिकंस्ट्रक्टिंग मतलब इसको जोड़ने का भी काम करता है। अब ये क्या जोड़ता है और क्या डाइजेस्ट करता है, ये प्रोसेस में आपको समझ में आएगा, राइट? इसके बाद अगर बात करेंगे अपन, जैसे कि ये डेंस बॉडीज है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये डेंस बॉडीज है, राइट? डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, डेंस बॉडीज होते हैं ये, वैसे दिखने में तो ये माइक्रोन साइज के होते हैं, राइट? और ये डेंस बॉडीज होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, इसलिए इसको कहा गया है कि दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, राइट? नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बताऊं कि लाइसोसोम्स का मेन काम क्या है, लाइसोसोम्स इट विल स्टोर द नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, राइट? लाइजो का मतलब ही है कि इसके पास कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। किस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है? आप देखोगे तो यहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दिस यू नीड टू बी रिमेम्बर। लाइसोसोम्स के पास कौन से एंजाइम्स है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? यहां पे अगर आप देखोगे तो अमाइलेज है, देन प्रोटीएज है, लाइपेज है। अमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करना। कोई भी फूड पार्टिकल, अगर कार्बोहाइड्रेट का पार्टिकल मिलता है सेल को, तो सेल के अंदर में जाने के बाद लाइसोसोम के पास जो अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करेगा, डाइजेशन करेगा। वैसे प्रोटीएज है, प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, जिससे प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, राइट? देन यहां पे है लाइपेज। व्हाट इज लाइपेज? लाइपेज भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म मतलब लिपिड का डाइजेशन करता है। तो ये सारे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में। इनएक्टिव मतलब उसका फंक्शन तभी होगा जब उस लाइसोसोम्स को कोई मिलेगा। कोई मिलेगा इन द सेंस, फॉर एग्जांपल बाहर से फूड पार्टिकल सेल के अंदर में जा रहा है, या कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब सेल के अंदर में जा रहा है। तो फूड पार्टिकल बोलो या कोई बैक्टीरिया बोलो जो सेल के अंदर जाता है, जिनके पार्टिकल्स उस लाइसोसोम्स को मिलते हैं, तब लाइसोसोम एक्टिवेट होता है। तब तक लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम के पास जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, इनिशियली ये इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे और ये एक्टिव रहते हैं एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच मतलब जिसका पीएच बिलो 7 है, 7 के नीचे जो पीएच एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंटल कंडीशन पे ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये एक्टिव रहते हैं। इसीलिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा कि अभी लाइसोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं और ये किस तरह से काम करता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि लाइसोसोम्स में जो भी एंजाइम्स है ये तब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक उसको कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी या फूड पार्टिकल्स नहीं मिलता है डाइजेशन करने के लिए। तो तब तक ये एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। देन एक्टिव कब होंगे, लेट वी डिस्कस। अगर यहां पे आप देख रहे होंगे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि लाइसोसोम्स जो है ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब वो एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पॉली मतलब यहां पे देखिए, पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर, मॉर्फ मतलब एक्सटर्नल फीचर। सो
जो एक्सटर्नल फीचर है ये अलग अलग फॉर्म में है। सो पॉलीमॉर्फिक क्यों कहा है? क्योंकि लाइसोसोम वो बॉडी से जो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन से फॉर्म? लेट मी डिस्कस। सबसे फर्स्ट फॉर्म अगर यहां पे देखोगे तो प्राइमरी लाइसोसोम। सबसे फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी फॉर्म क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम को अपन कहते हैं हेटेरोफेजिक बैक्टीरिया। अब ये मैं आपको बताऊंगा हेटेरोफेजिक क्या है। थर्ड क्या है? रेसिडुअल बॉडीज। फोर्थ क्या है? ऑटोफेजिक बैक्टीरियल या ऑटोफैगोसोम्स। तो ये चार तरह के लाइसोसोम्स है। तो ये फॉर्म जो है ये चार तरह के क्यों है यहां पे? डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्म्स, वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है, इसलिए उसको क्लासिफाई किया है फोर डिफरेंट टाइप्स में। तो फर्स्ट टाइप अपन देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो प्राइमरी लाइसोसोम्स, कैन यू ऑब्जर्व द प्राइमरी लाइसोसोम कहां पे है? देखिए यहां, यहां से जो वेसिकल्स रिलीज होंगे आज तक के लाइसोसोम के वेसिकल। सो द लाइसोसोम वेसिकल जो है सबसे पहले कहां से आएगा? ये गॉल्जी अपैरेटस है। गॉल्जी अपैरेटस इज लिंक्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इन एसोसिएशन विद द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले ये प्राइमरी लाइसोसोम्स को रिलीज करेगा। गॉल्जी अपैरेटस या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये लाइसोसोम को रिलीज करेगा। सो जो प्राइमरी वेसिकल जो यहां से रिलीज हो रहा है उसी को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये दिखने में क्या है? दिखने में क्या स्मॉल है, स्मॉल बॉडी होता है और जो कि ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब एक ही तरह का कंटेंट उसमें अंदर में होता है। अभी प्राइमरी लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है? इट विल स्टोर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बट इट इज इन इनएक्टिव स्टेट। सो प्राइमरी लाइसोसोम्स के पास जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए अभी एक्टिवेट कब होते हैं? लेट्स डिस्कस। सो ये हो गया प्राइमरी लाइसोसोम्स के बाद। देन सेकंड क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम जिसको अपने कहा है हेटेरोफेजिक बैक्टीरिया। अभी हेटेरोफेजिक बैक्टीरिया क्या है? लेट्स डिस्कस। तो यहां पे जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम जिसको अपन कहते हैं हेटेरोफेजिक बैक्टीरिया। हेटेरो मतलब दो अलग अलग, टू डिफरेंट। अभी हेटेरोफेजिक में क्या होता है देखिए, यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे एक फिनोमिना, एक प्रोसेस मैंने बताया। यहां पे देखिए फूड पार्टिकल, दिस इज द फूड पार्टिकल, फूड। अब ये सेल का मेम्ब्रेन है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सो जो कोई फूड पार्टिकल जब सेल के अंदर में आता है बाय मींस ऑफ प्रोसेस, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से फूड पार्टिकल सेल के अंदर में आता है। सो हियर यू कैन सी फूड पार्टिकल सेल के अंदर गया है। सो दिस इज द फूड पार्टिकल। यहां पे क्या है? दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम। अभी सेल के अंदर में फूड पार्टिकल आया है जिसको अपन कहेंगे फूड वैक्यूल या फूड वेसिकल। यहां पे प्राइमरी लाइसोसोम। सो नेक्स्ट क्या होगा? दिस प्राइमरी लाइसोसोम नाउ इट नोज दैट कि समथिंग हैड एंटर्ड इनटू द सेल। प्राइमरी लाइसोसोम को यह पता चलेगा कि फूड वैक्यूल या फूड पार्टिकल जो है वो अंदर आया है। तो जैसे ही अंदर आता है तो तुरंत जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है इससे फ्यूज करता है। फ्यूज मतलब क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम इट गेट फ्यूज विद दिस फूड फूड पार्टिकल या फूड वैक्यूल एंड फॉर्म द सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल को मर्ज करता है या उसको एंगल करता है। जब वो दोनों को एंगल करता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर को अपने क्या कहा है? सेकेंडरी लाइसोसोम। सो सेकेंडरी लाइसोसोम बेसिकली ये फ्यूजन है किस किस का? प्राइमरी लाइसोसोम का और ये फूड पार्टिकल या फूड वेसिकल्स का। जब ये दोनों मर्ज होंगे, जब फ्यूज होंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसको अपन सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। अभी सेकेंडरी लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोफेजिक बैक्टीरिया। हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट। ऑफकोर्स ये डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है। प्राइमरी लाइसोसोम भी है और फूड पार्टिकल भी है, ये दोनों के फ्यूजन से बना है। तो इसमें दोनों का कंटेंट है, इसलिए इसको कहा है हेटेरो। हेटेरो मतलब डिफरेंट कंटेंट। वन इज प्राइमरी लाइसोसोम कंटेंट एंड सेकेंडरी इज फूड पार्टिकल्स कंटेंट। दोनों का कंटेंट है इसलिए सेकेंडरी लाइसोसोम को कहा क्या कहा जाता है? हेटेरोफेजिक बैक्टीरिया। इज इट यहां तक क्लियर है? सो अपने यहां तक कितने पढ़े हैं? प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, फॉलोड बाय सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। अभी नेक्स्ट इज रेसिडुअल बॉडीज। थर्ड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम जो है उसको अपन रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। अभी रेसिडुअल बॉडी क्या है? रेसिडुअल बॉडी क्या है? यहां पे जो दिख रहा है आपको रेसिडुअल बॉडीज है। अभी ये वहां तक कैसे पहुंचता है? लेट्स सी। पहले हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जब इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होता है तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है।
अभी सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होगा? सेकेंडरी लाइसोसोम यहाँ पे ये तुरंत एक्टिवेट होगा और अपने अंदर के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो रिलीज करेगा और इस अंदर में जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको डाइजेस्ट करेगा। और विकेट होना चाहते हैं, अभी ये प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर के एंजाइम्स एक्टिवेट क्यों हुए है? क्योंकि उसको कुछ मिल चुका है। क्या मिला है? फूड पार्टिकल। सो जैसे ही फूड पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में आता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स तुरंत एक्टिवेट होते हैं और उस फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करते हैं, राइट? अभी डाइजेशन करने के बाद क्या होगा? डाइजेशन करने के बाद दो तरह का मटेरियल बनेगा, उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे जो डाइजेस्ट होंगे और कुछ होंगे जो डाइजेस्ट नहीं होंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि जितना भी डाइजेस्टेड मटेरियल है ये सेल जो है ये डाइजेस्टेड मटेरियल को साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है, साइटोसोल में उसको रिलीज कर देता है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जिस मटेरियल का डाइजेशन नहीं होता है वो एज सच वो लाइसोसोम पकड़ के रखता है, उसको होल्ड करके रखता है। इज इट क्लियर? और जो अनवांटेड मटेरियल लाइसोसोम ने जो होल्ड करके रखा है उसको अपन कहेंगे रेसिडुअल बॉडीज। दिस इज थर्ड पार्ट, द थर्ड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडीज। ये जो रिलीज क्या है, रिलीज क्या है यहां पे? रिलीज इज द डाइजेस्टिबल मटेरियल जो डाइजेस्ट हो चुका है, राइट? फॉर एग्जांपल प्रोटीन का डाइजेस्ट हुआ है तो अमीनो एसिड रिलीज हुआ है, सो अमीनो एसिड यहां पे साइटोप्लाज्म में रिलीज होगा। इसलिए अमीनो एसिड यहां पे रिलीज होगा और ये सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में रिलीज होगा, तो ऑफकोर्स यहां पे एक्सोसाइटोसिस करके दिखा, एक्सो मतलब बाहर निकलना। यहां पे देखो एंडो, दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से फूड पार्टिकल अंदर आया, एंडो मतलब अंदर आना, एक्सो मतलब बाहर जाना। So, यहां पे फूड पार्टिकल अंदर आया और इस प्रोसेस से उसका डाइजेशन हुआ और जो भी अनवांटेड मटेरियल है वो एक्सो मतलब एक्सिट हो गया। अनवांटेड मटेरियल जो यहां पे यहां पे जो एक्सोसाइटोसिस मैंने आपको बताया है, एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? एक्सिट होगा मतलब बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? जो डाइजेस्टिबल मटेरियल है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, वो डाइजेस्टेड मटेरियल साइटोप्लाज्म में आने के बाद एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से वो बाहर निकल जाएगा। सेल के अंदर में क्या रहेगा? सेल के अंदर में खास करके अनडाइजेस्टिबल मटेरियल, जो जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है वो अनडाइजेस्टिबल मटेरियल सेल के अंदर ही रहेगा। सेल मतलब लाइसोसोम के अंदर रहेगा और ये बनाएगा रेसिड्यूअल बॉडीज। इज इट क्लियर? ये हो गया रेसिड्यूअल बॉडीज, ये हो गए तीन फॉर्म। और एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेजिक बैकबोन या ऑटोफैगोसोम। ऑटो मतलब सेल। एक चीज ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इन चारों फॉर्म में से कौन से फॉर्म ऑफ लाइसोसोम को अपन सुसाइडल बैक कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फोर्थ नंबर है ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोफेजिक वैक्यूल को ही अपन कहते हैं सुसाइडल बैक। इसको सुसाइडल बैक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लेट आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो आइए देखते हैं अपन ऑटोफेजिक वैक्यूल के बारे में कहां है। जैसे यहां पे प्राइमरी लाइसोसोम रिलीज हो रहा था वैसे यहां पे और भी प्राइमरी लाइसोसोम रिलीज होंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। यहां पे देखिए प्राइमरी लाइसोसोम रिलीज हुआ। अभी यहां पे इस लाइसोसोम जो है सिर्फ फूड पार्टिकल को ही डाइजेस्ट नहीं करेगा, इसके साथ साथ में मतलब फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन के साथ साथ में ये और भी सेल्स को या सेल ऑर्गेनेल्स को भी डाइजेस्ट करता है। किस तरह के सेल और सेल ऑर्गेनेल्स? जैसे आपको पता है सेल के अंदर में कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इज इट क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, मतलब कुछ दिनों तक ये जिंदा रहता है और उसके बाद सेल जो है वॉर्न आउट होता है, इज इट क्लियर, उसकी डेथ हो जाती है। अभी जो डेड सेल्स है, मे बी सेल बोलो या सेल ऑर्गेनेल बोलो, जब इसकी डेथ होती है तो क्या डेड सेल्स या डेड सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर में रहते हैं क्या? नहीं। तो क्या होगा वहां पे? जितने भी डेड सेल ऑर्गेनेल्स है वो सेल ऑर्गेनेल्स ये प्राइमरी लाइसोसोम उसको अंदर लेता है, देन उसको डाइजेस्ट करके और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भेजता है। समझ में आया आपको? सो कैसे होगा? यहां पे लाइसोसोम रिलीज हुआ है, यहां पे देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल। अनवांटेड मतलब जो सेल जिसका फंक्शन खत्म हो गया है, फंक्शनलेस हो गया है, या सेल ऑर्गेनेल जिसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया ले लो आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो, इज इट क्लियर? जब इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है नाउ इट बिकम्स अनवांटेड सेल, अभी उस सेल की जरूरत नहीं है। तो ये जो अनवांटेड सेल्स है प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा? उसको एंगल्फ करेगा, देन उसको डाइजेस्ट करेगा। आर यू गेटिंग? उसको डाइजेस्ट करेगा, देन डाइजेस्ट करके, डाइजेस्ट करने के बाद जो भी
यूजफुल मटेरियल रहेगा वो यूजफुल मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में छोड़ेगा, और जो अनवांटेड मटेरियल है जिसको अपन अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी कहते हैं वो किसको किस में छोड़ेगा, वो रेसिडुअल बॉडीज में। तो यहां पे देखिए रेसिडुअल बॉडीज बन गया। सो इधर से मैंने एरो देखो कैसे दिखाया, एरो इस साइड से जा रहा है, इस साइड से जा रहा है, इस साइड से जा रहा है, और यहां पे रेसिडुअल बॉडीज बना है। और जो फोर्थ फॉर्म ऑफ लाइसोसोम है जिसको मैंने ऑटोफेजिक वैक्यूल कहा है, उसका एरो मैंने यहां से दिखाया, यहां पे प्राइमरी लाइसोसोम रिलीज हुआ, देन अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल यहां पे है, यह सेल स्ट्रक्चर है जो कि अनवांटेड है, अभी उसको लाइसिस करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो प्राइमरी लाइसोसोम इस अनवांटेड सेल या सेल ऑर्गेनेल को अंदर लेगा, उसका डाइजेशन करेगा, देन उसको रेसिडुअल बॉडी में कन्वर्ट होगा। सो रेसिडुअल बॉडी जो है वैसे देखा जाए तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि आफ्टर गेटिंग डाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा सेल, इतना बड़ा सेल इतना नहीं होता है, माइक्रोन साइज में जो भी बड़ा सेल होगा उसका डाइजेशन के बाद और भी छोटा बनता है। तो जो छोटा होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको अपन कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। इज इट क्लियर? सो लाइसोसोम जो है वो इस तरह से इसका फंक्शन होता है, इस तरह से ये काम करता है। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये दोनों तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहर से जो फूड पार्टिकल अंदर होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया मतलब बाहर से फूड पार्टिकल अंदर में आया है, तो इसको अपन कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, अंदर बाहर से अंदर में लिया और उसका डाइजेशन किया है। देन और एक अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किस तरह से, जो भी सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनेल्स जिसकी डेथ हो गई है, इसीलिए यह सेल स्ट्रक्चर जिसकी डेथ हो गई है तो उसको वो इंगल्फ करेगा, अंदर लेगा, देन उसका डाइजेशन करके अनवांटेड मटेरियल जो है उसको बाहर देगा। इसी क्लियर? ये हो गया आपका लाइसोसोम के बारे में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लाइसोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटोफेजिक वैक्यूल जिसको ऑटोफेगोसोम भी कहते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सुसाइडल वैल्व। यस, क्वेश्चन इज व्हाई इट इज सुसाइडल वैल्व। सुसाइडल, देखो यहाँ सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेल की डेथ हो रही है वो सेल के अंदर के ही जो ऑर्गेनेल्स है उस ऑर्गेनेल को वो खा रहा है और उसको सुसाइड कर रहा है। सुसाइड इन द सेंस एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर का सेल है उसी सेल को वो खा ले रहा है और उसको डाइजेस्ट कर रहा है, वो खुद का ही सेल ऑर्गेनेल है जो एक ही सेल के अंदर में है। सो खुद के ही सेल पार्ट को वो अंदर ले रहा है और उसको डाइजेस्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? सो इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ये जो सेल है यहाँ पे ये अपने खुद के ऑर्गेनेल को सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है, इसलिए उसको कहा है सुसाइडल बैग। सो इस ऑटोफेजिक वैक्यूल को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान में रखिए, जैसे कि अमीबा है, अमीबा जो फूड पार्टिकल्स को अंदर लेता है और अंदर लेने के बाद ये लाइसोसोम्स के साथ जुड़ेगा तो इसको अपन फूड वैक्यूल भी कहेंगे, दिस इज फूड वैक्यूल। सेकंड एग्जांपल इज डब्ल्यूबीसी, राइट, मैक्रोफेजेस, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज कहां पे रहते हैं, आपके ह्यूमन ब्लड, ब्लड में रहते हैं। अभी इस डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम जो है, डब्ल्यूबीसी जो है ये बाहर से जो भी बैक्टीरिया आएगा आपके बॉडी में जाएगा, ये ब्लड में जाएगा तो तुरंत तो उस बैक्टीरिया को एंगल्फ करेगा मतलब उसको खा लेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। यहां पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर है। सो इन कमिंग 10 मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। सो इसके पहले का जो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा था दैट इज लाइसोसोम। सो जस्ट लाइक लाइसोसोम वैक्यूल क्या है, वैक्यूल अगेन इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बनता है, दिस इज अगेन सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक है, अगेन ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक है, सिंगल मेम्ब्रेन से ये बनता है, राइट। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो एक डिफरेंशिएशन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, एनिमल सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है ये इसमें 2 से 3 छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल खास करके जो मेजर प्लांट सेल होते हैं उसमें एक ही वैक्यूल लेकिन वो बहुत बड़ा वैक्यूल आपको दिखेगा इस तरह से। सो इस तरह का वैक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इफ द प्लांट सेल कंटेन्स द वैक्यूल देन इट इज बिगर इन साइज एंड इट विल ऑक्युपाइज अराउंड 90% ऑफ द होल बॉडी। मेरे कहने का मतलब है अगर ये प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है तो वैक्यूल जो है वो इतना बड़ा होगा इस सेल के अंदर कि 90% जो स्पेस है, 90% वो वॉल्यूम है, मतलब इस सेल का जो 90% वॉल्यूम है वो कौन यूटिलाइज करता है, वो वैक्यूल यूटिलाइज करता है, इतना बड़ा वैक्यूल होता है इस प्लांट सेल के अंदर। इसलिए अभी वैक्यूल का फंक्शन क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी इन द प्लांट सेल, तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। प्लांट वैक्यूल वो ऑर्गेनेल है
प्लांट सेल के अंदर में जो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट सेल को या प्लांट को जो जरूरती चीजें हैं, जैसे कि उसको आयंस लगते हैं, कुछ वाटर लगेगा, ऑर्गेनिक आयंस लगेंगे, इनऑर्गेनिक आयंस लगेंगे, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लगेंगे और इनऑर्गेनिक आयंस लगेंगे, तो ये जितना भी कंटेंट है ये इस वैक्यूल में वो स्टोर करके रखेगा। साथ साथ में जो अनवांटेड मटेरियल जिसको अपन वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं या एक्सक्रीटरी मटेरियल भी कहते हैं, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स के वैक्यूल में स्टोर करके रखेगा। इसे क्लियर? सो मैंने क्या बोला है कि फंक्शंस अगर आप देखा जाए यहाँ पे, सो इट विल मेंटेन द वैक्यूलर फ्लूइड एंड सेल सैप कंपोजिशन। व्हाट इज सेल सैप? सेल सैप का मतलब क्या होता है? इस मेम्ब्रेन के अंदर में जो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस वन, इसको अपन सेल सैप। तो सेल सैप का कंपोजिशन क्या है? इसमें फ्लूइड भी है मतलब वॉटर भी है, देन इसमें इनऑर्गेनिक आयंस है, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये सभी का जो कंपोजिशन है वो बनाता है सेल सैप। क्या बनाता है? ये सेल सैप बनाता है। और ये सेल सैप जो है, यहां का जो भी आयंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इस आयंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड से यहां का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है? इस सेल सैप का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, मतलब ये हाइपरटोनिक होता है। व्हाट वी कैन से? हियर वी कैन से इट इज अ हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, टोनिक मतलब टोनिसिटी। तो यहां का जो कॉन्सेंट्रेशन है किसके अंदर का? वैक्यूल के अंदर का जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। ये क्या है? दिस इज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड यहां पे है और वैक्यूल का फ्लूइड यहां पे है। सो वैक्यूल के अंदर में जो फ्लूइड है वो सेल सैप है और ये साइटोप्लाज्म है। सो दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला आपको कि सेल सैप के अंदर का जो कंपोजिशन है या अंदर का जो आयनिक कंसंट्रेशन है ये ज्यादा होता है। सो बिकॉज ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इसको अपन कहते हैं हाइपरटोनिक। सो नेट में क्वेश्चन आ सकता है कि सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से होता है, हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है कि आइसोटोनिक है? तो आंसर इज हाइपरटोनिक। तो सेल सैप का जो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हाइपरटोनिक होता है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि साइटोप्लाज्म में जो भी फ्लूइड होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, वो वाटर कंटेंट अभी अंदर जाएगा, मतलब सेल सैप के अंदर में जाएगा, इस सेल वैक्यूल के अंदर में जाएगा। तो सेल वैक्यूल के अंदर में कैसे जा रहा है? यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वॉटर मूव होगा। इज इट क्लियर? सो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दो टर्म है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कौन कौन से टर्म्स है। वन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड सेकंड टर्म जो है दैट इज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये दो टर्म मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में हमेशा आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जो आयंस है या मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट, आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। कैसे जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस तरह से होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में कैसा होता है? यहां पर उल्टा होता है, वाइस वर्सा, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर आयंस का मूवमेंट होता है। तो एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये वैक्यूल है और ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म से जब आयंस का मूवमेंट होगा, इज इट क्लियर? तो ये कैसे होगा? इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है और इस सेल सैप में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो जब आयंस यहां से यहां होंगे, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे अपन? इसको अपन कहेंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ दिस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ये किसके हेल्प से होता है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है विच विल कवर द सेल सैप, वैक्यूल, वैक्यूल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है इस सेल मेम्ब्रेन, इसको अपन कहते हैं टोनोप्लास्ट। What it is called? It is called tonoplast. So the vacuole which is covered by a single membrane, उस membrane को अपन tonoplast कहते हैं। और ये कि ये semi-permeable होता है, जो particular ions या solutes को वो अंदर लेता है।
किसके थ्रू? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू. तो हियर द क्लोरोप्लास्ट विल फैसिलिटेट विच टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? इट विल फैसिलिटेट अगेन द मोमेंट ऑफ आयंस अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसके थ्रू अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस का मूवमेंट होता है. अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की और ये आयंस का मूवमेंट होता है. और ये कौन फैसिलिटेट करता है? क्लोरोप्लास्ट, दिस वन. ये मेम्ब्रेन उसमें हेल्प करता है. इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द वैक्यूल. अब यहां पे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूंगा, सो बिफोर वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. वैक्यूल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया, ये ऑस्मोरेगुलेशन तो मेंटेन करेगा ही करेगा. इज इट क्लियर? मतलब अंदर का फ्लूइड बैलेंस और एक्सटर्नल एनवायरमेंट, अंदर का एनवायरमेंट दोनों को बैलेंस करेगा. और साथ साथ में कुछ अनवांटेड मटेरियल या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या जिसको अपन वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं वो भी ये स्टोर करके रखता है और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है. और प्लांट या प्लांट सेल्स को उसको प्रोटेक्शन बना देता है. कैसे प्रोटेक्ट करता है? बाय मींस ऑफ स्टोरिंग द अनवांटेड मटेरियल. जो मटेरियल जिसकी जरूरत नहीं है, जो वेस्ट है, जिसको डिस्पोज करना है, उस वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ये वैक्यूल जो है उसको स्टोर करके रखता है. और एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत पड़ी उसको स्टोर करता है, जब जरूरत पड़ी उसको सेल से बाहर निकाल देता है और उस सेल के बाहर उसको फेंक देता है. तो ये फंक्शन है इस वैक्यूल का. सो वैक्यूल का इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको ध्यान में रखना है. इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द ऑस्मोरेगुलेशन. सो वैसे कुछ यहाँ पे एनिमल सेल का भी मैं आपको बताऊंगा. एनिमल सेल खास करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल बताना चाहूंगा. जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो अमीबा है, पैरामोशियम है, प्रोटिस्टा है. सो अमीबा और पैरामोशियम ये यूनिसेलुलर है बेटा. अभी दोनों में देखा जाए तो दो तरह के वैक्यूल है, फूड वैक्यूल भी है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है. फूड वैक्यूल कब कहेंगे? जब ये सेल कोई फूड पार्टिकल अंदर लेता है और वो वैक्यूल में स्टोर करता है तो उसको फूड वैक्यूल कहेंगे. एक्सक्रीटरी वैक्यूल कब कहेंगे? जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब वो वाटर को अंदर लेता है, मतलब ये वैक्यूल के अंदर में जब वाटर लेता है, इसे क्लियर? कितना वाटर की उसकी जरूरत है, जब वो वाटर अंदर लेता है देन जब वो वैक्यूल बनाता है देन इसको अपन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहेंगे. व्हाई दिस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल? इसको कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों कहा गया? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को जितना वाटर की जरूरत है वो उतना अंदर रखेगा और एक्सेस वाटर जो है वो बाहर फेंकेगा, इसलिए उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना अंदर स्टोर करके रखेगा और रिमेनिंग जो एडिशनल वाटर कंटेंट है या वाटर अमाउंट है उसको वो बाहर फेंक देगा, इसलिए उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. सो दोनों में अमीबा और पैरामोशियम दोनों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है. मतलब अंदर का एनवायरमेंट, सेल के अंदर का एनवायरमेंट, साइटोप्लाज्म के एनवायरमेंट और वैक्यूल के अंदर का एनवायरमेंट, तो दोनों को ये बैलेंस करने की कोशिश करता है या बैलेंस करता है. इज इट क्लियर? ये हो गया अमीबा पैरामोशियम. और एक काम मैं बता रहा हूं प्रोटिस्टा. सो प्रोटिस्टा ये भी ऑर्गेनिज्म जो है यहां पे भी फूड वैक्यूल बनता है. तो जहां पे मैं फूड वैक्यूल यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि वो जो वैक्यूल है उसने फूड पार्टिकल अंदर लिया है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कब यूज करूंगा? जब ये वैक्यूल वाटर कंटेंट को अंदर लेता है और जो वाटर को स्टोर करता है, जितना वाटर जरूरत है वो रखता है और जो एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर है उसको वो बाहर एक्सप्रे करता है. तो ये दो तरह के एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है. दिस इज दिस सेलुलर लेवल पे आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है और प्लांट सेल पे भी आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्यूल्स. इज इट क्लियर? सो होप सो एवरीबॉडी हैज एंजॉयड दिस सेशन pertaining to the lysosomes and pertaining to the vacuoles. Is it clear? Okay. So don't forget to subscribe my channel, that is Tirupati Cells College. Thank you very much.